तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको एक प्रोजेक्ट बताया था, उससे पहले हमने वर्कबुक के बारे में पढ़ा था, अब बात करेंगे सीड्स के बारे में। जैसे एग्जांपल में जो सीड आपको दिख रहा है, इस सीड के बेसिकली दो दो नाम आपको दिख रहे होंगे, ब्रैकेट में एक है, आखिर है क्या? तो चलिए इसके लिए सीड को खोलते हैं और समझते हैं। सीड के बेसिकली दो नाम होते हैं, एक होता है कैप्शन नेम जो बाहर आपको यहाँ दिखता है, दूसरा होता है प्रॉपर्टी नेम जो विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर दिखता है। तो कॉल कैसे करें, मतलब मुझे सीट थ्री पे जाना है तो क्या कोड लिखें? यहाँ हम लिखेंगे सीट्स, और यहाँ पे इन्वर्टर को हम देंगे सीट्स थ्री, और यहाँ पे देंगे डॉट सेलेक्ट, ठीक है। बट इसके लिए सीट थ्री या सीट टू का नाम होना जरूरी है, इसको रन करेंगे तो हम सीट थ्री पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि सीट थ्री फिक्स नहीं है, कई बार क्या होता है कि हमारा जो सीट का नेम होता है वो फिक्स नहीं होता, जैसे कि इस महीने जैन हुआ, अगले महीने उसी सीट को हम टाइप कर देंगे, अगले महीने मार्क कर देंगे, तो उस केस में सीट का प्रॉपर्टी नेम लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? प्रॉपर्टी नेम। तो प्रॉपर्टी नेम जो ब्रैकेट से बाहर है, जैसे कि यहाँ पे हमने सीट वन डॉट सेलेक्ट कर लिया या सीट थ्री डॉट सेलेक्ट कर लिया, मतलब कि अगर मैंने सीट थ्री का नाम यहाँ पे अगर फैब जैन कर दिया तो मेरा पहले वाला लाइन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सीट थ्री के नाम का कोई सीट उसको नहीं मिलेगा, बट दूसरा वाला कोड वर्क करेगा। तीसरा आता है, अब दूसरा किसको और भी आता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा हर बार सीट का नेम फिक्स है बट सीट नए नए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डेटा, तो मैं सीट को डिलीट किया, मान लीजिए डेटा सीट है डेटा, तो अगर मैंने यहां पे डेटा कर दिया, राइट, डेटा कर दिया तो अब चलेगा, लेकिन कल के डेट में मैंने अगर सीट को डिलीट किया यहां से, राइट क्लिक, यहां से मैंने कर दिया डिलीट, और डिलीट करने के बाद हमने यहां पे एक नया सीट ऐड किया, उसमें नाम दे दिया डेटा, तो मेरा पहले वाला लाइन वर्क करेगा, सारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सीट डिलीट होते ही, अगर सीट थ्री पहले से अगर था तो सीट डिलीट होते ही क्या हो जाएगा, सीट का देखिए यहां पे सीट फोर नाम का सीट आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब सीट का नाम फिक्स हो तो हम सीट के कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जब सीट का नाम फिक्स ना हो लेकिन सीट फिक्स हो तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद सीट के सीक्वेंस नंबर से भी चल सकते हैं, जैसे सीट्स हमने बोल दिया और दूसरा सीट डॉट सेलेक्ट, तीसरे क्या किया, दूसरा सीक्वेंस नंबर गया पहला और दूसरा, दूसरे को एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि भी क्या होता है एक फोल्डर में 20 फाइल है और 20 फाइलों का डेटा मुझे लेके आना है, और हर फाइल के अंदर सीट का नेम है वो तो पता नहीं क्या होगा, तो हम सिक्वेंस लेके चलते हैं। उसके बाद एक्टिव सीट तो है ही, जो एक्टिव एक्टिव है, तो सीट की कॉलिंग मेथड आ गई कि सीट के ऊपर आगे चल के जो भी हम लगाएंगे, सीट ऐड, सीट डिलीट, डिलीट जो भी लगाएंगे, इन चारों में से किसी एक को लेंगे, और लेने का सिचुएशन समझ में आ गया। जैसे हमने वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक में डिक्लेयर किया था यहीं पे, इस बार इस पर चार हो गई है, सीट्स, सीट के प्रॉपर्टी कैप्शन नेम, सीट का प्रॉपर्टी नेम, सीट की काउंटिंग और एक्टिव सीट। समझ में आया सर, किसी को डाउट इसमें? सर वो टू टू वाला समझ में नहीं आया सर, वो जो ब्रैकेट में लगा है सीक्वेंस नंबर काउंट करेगा पहला और दूसरा, चाहे वो डेटा सीट ही दूसरे सीट पे क्यों ना हो, डेटा वेयर कर देगा, काउंट करेगा पहला दूसरा, सीट वन से पहला नहीं हुआ सर, इसके जगह पे जैन भी हो सकता है, समझे, पहला सीट दूसरा सीट, दूसरा सीट, अच्छा मतलब डेटा वाला, ओके समझ गया। हाँ सर, अब चलिए हम प्रॉपर्टी काउंट और सर प्रॉपर्टी काउंट और क्या बताया था लास्ट वाला, कौन सा प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी तो बताया नहीं, कैप्शन नेम प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी ऑफ सीट मतलब जैसे कि देखिए डेटा का नाम तो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे ना, यूजर भी चेंज कर लेगा, बट इसी सीट का जो प्रॉपर्टी नेम है वो बीवीए के अंदर जाके प्रॉपर्टी में जाके सीट नेम यहाँ से चेंज होगा,
ठीक है, तो अच्छा प्रोग्रामर ही चेंज कर सकता है। आपको हाँ दिक्कत नहीं है? चलिए नहीं सर इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सीट ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा सीट डॉट ऐड, एक नई सीट ऐड कर दी। देखिए उसी सीट को रिनेम करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा, बिल्कुल वर्कबुक की तरह। कि जो सीट ऐड होती है, जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, आप एक सीट ऐड किया, तो वही सीट एक्टिव है ना सर, सीट 5 एक्टिव है। तो सीट ऐड किया और सीट का रिनेम कर दिया। लेकिन मुझे डेटा नाम का सीट ही लेना है, तो डायरेक्ट लिख दूंगा सीट्स डॉट एड डॉट नेम इक्वल टू डेटा। समझे? अब जी। यहां पे क्वेश्चन आता है, जो सीट ऐड होता है वो जो सीट एक्टिव है ना उससे पहले होता है। जैसे मान लीजिए आप ऐड किया, तो सीट 5 देखिए यहाँ पे ऐड हो गया उसका, ठीक है ना, पोजीशन फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे सीट डॉट ऐड, ऐड के बाद जैसे स्पेस देंगे बिफोर और आफ्टर आता है, तो किस सीट से पहले किस सीट के बाद, मैं बोलता हूँ सीट 2 के बाद। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीट्स और सीट का कैप्शन नेम या प्रॉपर्टी नेम या काउंटिंग सीट 2, बिल्कुल इस मेथड में। ओके, तो अब सीट 2 के बाद पहले ऐड होगा, लेकिन मुझे आफ्टर करना है तो कॉमा लगा लेंगे, आफ्टर ऐड होगा। तो सीट का नेम कैप्शन नेम दे दिए, या सीट का प्रॉपर्टी नेम यहाँ भी दे सकते हैं। सिर्फ सीट 2 का प्रॉपर्टी नेम क्या है, सीट 2, जस्ट सीट 2 लिख सकते हैं पूरे की जगह पे सीट 2। तो क्या लिखना है वो तो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कि आप इस सीट 2 भी लिख सकते हैं। सीट 2 इसलिए लिखिए, यहाँ पे सीट 2 दिख रहा है, सीट 2 इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी नेम हमारा सीट 2 है। समझ गए? दूसरा, आप काउंट भी दे सकते हैं कि मैं सीट 2, यहाँ पे काउंट दे देता हूं कि भाई कितने सीट है, 2 3 4 5, 5 सीट के बाद। तो क्या करेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो 5वें सीट के बाद ऐड कर देगा। समझ गए? जी सर, अगर जैन के बाद डालना होता तो शीट्स डॉट ऐड, क्या बोल रहे हैं? जैन के बाद डालना होता तो शीट, जैन शीट के बाद में तो यहां पे जैन का सीट नेम हो जाएगा। अब जैन का प्रॉपर्टी नेम डालना है, तो इसके अंदर इन्वर्टर कॉमा में जैन का प्रॉपर्टी नेम डाल दीजिए। कैप्शन नेम डालना है, तो जैन का कैप्शन नेम क्या है, सीट 1। कैप्शन नेम आ गया, प्रॉपर्टी नेम डालना सीट 1, सीट 2 डाल दीजिए, या सीक्वेंस नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। अच्छा समझे? सर, जैन ये जो है कैप्शन नेम बोलते क्या सर इसको? हाँ, जो बाहर सीट पे दिखता है उसको कैप्शन नेम, और जो ब्रैकेट से पहले प्रॉपर्टी बार में दिखता है उसको प्रॉपर्टी नेम। ओके ठीक है? अब हाँ सर समझ गया? देखिए और मुझे अगर सबसे मैं मान भी लास्ट ना में हो ऐड कि करना है, कितनी शीट्स हो। सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो यहाँ पे शीट्स डॉट काउंट ये क्या करेगा, सबसे लास्ट में ऐड कर देगा। ठीक है? ओके उसी तरह से अगर मैं मुझे एक बार 5 शीट ऐड करनी है, तो शीट्स डॉट ऐड, अब यहाँ पे स्पेस काउंट है, तो एक कॉमा करूंगा तो बिफोर स्किप हो जाएगा, दूसरा कॉमा करूंगा आफ्टर हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर दे दिया कि मुझे 10 सीट ऐड करना है। तो रन करने पे एक ही बार में 10 सीट को ऐड कर देगा। क्या कर देगा, 10 सीट को ऐड कर देगा। अच्छा सर, इसको कुछ लिमिट रहता है क्या सर, या
नहीं, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, लेट अस कंसिडर सेट कंसीडरिंग. अब सीट ऐड होने के बाद हम बात करते हैं सीट की कॉपी करने का. राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं ना, मूव एंड कॉपी. तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे सीट्स, सीट में कौन सा सीट लेना है, तो मान लीजिए प्रॉपर्टी नेम में चल रहा हूं मुझे सीट वन लेना है जो जैन है, डॉट मूव या सीट वन डॉट कॉपी. तो मूव करेगा तो क्या करेगा, इसको एक नई फाइल में मूव कर देगा. कॉपी करूंगा तो उसको एक नई फाइल में कॉपी कर देगा. अब मुझे चाहिए इसी सीट में, तो डॉट कॉपी और यहां पे बिफोर आफ्टर, तो मुझे आफ्टर चाहिए डेटा. तो यहां पे हमने लिख दिया सीट्स और सीट का डेटा, डेटा शीट के बाद. अब मूव करना है तो सेम रहेगा, कॉपी की जगह पे मूव हो जाएगा. तो मूव मूव एंड कॉपी सेम, बिल्कुल सेम है. मुझे सबसे लास्ट में मूव करना है, सबसे लास्ट में मूव या कॉपी करना है, तो एक कोड सेम रहेगा, यहां डेटा के जगह पे जो है काउंट हो जाएगा. कौन सा, सीट्स डॉट काउंट, सीट की काउंट निकालेगा और उसको मूव कर देगा. ठीक है सर, अगर जैन शीट पर एक्टिव शीट जैन है और हमने कर दिया शीट डॉट कॉपी बिफोर, तो कहाँ पे करेगा वो कॉपी? तो बिफोर में आप दीजिएगा ना कौन सा शीट के पहले देना है, उस शीट के बाद होगा. जैन के बिफोर सर, जैन के तो वहां पर जैन तो नहीं, उसके बिफोर शीट नहीं है ना सर, तो नहीं कोई बात नहीं, मूव कर देगा. तो ऐसे यहाँ पे अगर मैंने कर दिया मूव, मूव में हमने लिख दिया शीट्स और शीट्स में दे दिया यहाँ पे जैन, तो जैन से पहले डाल देगा, पूरा शीट को मूव कर देगा. ठीक है ना? नहीं नहीं सर, कॉपी कॉपी अगर किया तो कॉपी भी सेम, मूव कॉपी सेम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ट्राई करके देखिएगा, पता चल जाएगा. हाँ ठीक है. अब हाइट की बात करते हैं कि सीट वन डॉट विजुअल, विजुअल इक्वल टू, अगर मैंने विजुअल इक्वल टू, अगर मैंने एक्सेल सीट हिडन कर दिया, फिर नॉर्मल हिडन जो हम लोग करते हैं राइट क्लिक करके हाइट, फिर राइट क्लिक करके हाइट करते हैं, ए होगा. ठीक है, सीट वन डॉट विजुअल अगर मैंने इक्वल टू कर दिया एक्सेल वेरी हिडन, तो ए राइट क्लिक करके यूजर इसको अनहाइड नहीं कर सकता, उसको अनहाइड करने के लिए माइक्रो ही रन करना पड़ेगा, जो कि होगा सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट विजुअल. तो माइक्रो रन कर लीजिए, इस कोड को रन कर लीजिए, या फिर उस सीट को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ विजुअल को चेंज कीजिए, दोनों में से कोई एक होगा. ठीक है, अब सीट की प्रोटेक्शन की बात आती है, तो यहाँ पे सीट वन डॉट प्रोटेक्ट, मतलब कि हम लोग पासवर्ड डालते हैं ओ, तो प्रोटेक्ट कर दिया और यहाँ पे स्पेस पासवर्ड डाल दीजिए. उसके अलावा ये बहुत सारे चेकबॉक्स होते हैं, जैसे कि आप एक बार राइट क्लिक कीजिए ना यहाँ पे सीट पे और प्रोटेक्ट पे कीजिए, तो जो प्रोटेक्ट शीट पे जो राइट क्लिक करके इतने सारे चेकबॉक्स आते हैं ना, वही चीज यहाँ पे दिखाई जाती है. तो अगर मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया, अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे सॉर्टिंग अलाउ करना है, तो कॉमा 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 कॉमा, अब यहाँ पे दे दीजिए ट्रू. अब बोलेंगे सर इतना लंबा कॉमा लगाना पड़ेगा, जी हाँ. या दूसरा तरीका भी इसका है कि मैं यहाँ पे दूंगा सीट वन डॉट प्रोटेक्ट, तो प्रीवियस आगे डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में मैं यहाँ दूंगा पासवर्ड, पासवर्ड सेमीकॉलन इक्वल, और यहाँ पे डालूंगा अपना पासवर्ड कॉमा. अब फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ जो लिखा हुआ अलाउ सॉर्टिंग, अलाउ सॉर्टिंग सेमी कॉलन इक्वल, देखिए सॉर्टिंग बोल्ड हो गया, तो जो यहाँ लिखा है वो चीज लिख के इक्वल कीजिए, देन ट्रू कर दीजिए, तो स्किप हो जाएगा. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वाले मेथड को यूज करना चाहते हैं या इस वाले मेथड को यूज करना चाहते हैं. ठीक है, अब मुझे सीट को सर नहीं करना है, टाइप करना है,
टैब कलर, सीड वन डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू, मैंने दे दिया वीवी रेड ग्रीन ब्लू कलर वगैरह, बाकी कलर मेथड हम आपको आगे क्लास में समझाएंगे। अब लोग कुछ पूछ रहे थे आप, हाँ सर वो सॉर्टिंग का क्या था सर, वो जैसे कि हम पासवर्ड पास प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो प्रोटेक्ट करते समय हमें अलाउ करना होता है, तो मैंने हमें मुझे मान लीजिए सौ इस पे क्लिक करना है ना, तो वीवी के जरिए मुझे एक तो कॉमा कॉमा करके अलाउ सॉर्टिंग वाले पे जाके टू लिखना होगा, या मुझे इस मेथड को फॉलो करना होगा। ओके सर, ओके ठीक है। हाँ एक कोड मैं भेजता हूँ आप लोगों को, आप लोग कीजिए इसकी प्रैक्टिस, अगली क्लास में हम एक प्रोजेक्ट और करेंगे।